चलिए, तो आज का हमारे लेक्चर मॉड्यूल 2 का क्वांटम मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल्स है, जो डी ब्रॉगली के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एनर्जी 1 MeV। फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एनर्जी 1 eV। तो इसकी एनर्जी दी है और हमको डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करना है। तो लिखेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। मैम क्वेश्चन भी लिखनी। हाँ आप लिखिए, मैं कौन सा सॉल्व कर रही हूँ, सॉल्व तो आप ही को करना है। ठीक है, मैं तो बस वैल्यू लिख दे रही हूँ जो उसमें क्वेश्चन में दी है, या ई के लिख लीजिए या के से आपने डिनोट किया है तो वो लिख लीजिए। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन चाहे ई के लिख लीजिए चाहे के लिख लीजिए, जिस भी फॉर्म में आपने लिखा है। तो ये वैल्यूज हैं, क्वेश्चन में दी हैं, कैलकुलेट करके आंसर बताइए इतने में। ओके मैम, 6.625 × 10⁻³⁴ अंडर रूट 2 1.6 × 10⁻²⁷ 1.6 × 10⁻¹⁹। ब्रैकेट्स की गड़बड़ कर दी होगी या जो भी गड़बड़ की है आपने, तो ये आपका आंसर आ रहा है 2.86 या 2.87 × 10⁻¹⁪ मीटर और 0.26 एंगस्ट्रॉम। हाँ यही आंसर, यही है। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन ऑफ एनर्जी 12.8 MeV। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस एनर्जी चेंज हो गई है। तो इसको करिए, एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, ज्यादातर आंसर जिसने भी बताए हैं सबने सही बताए हैं इसके, 12.8 MeV और 12.8 × 10⁻⁶ × 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। द वेवलेंथ associated with the neutron lambda equal to h upon under root 2 m n e or 6.625 × 10⁻¹⁴ upon under root 2 1.67 × 10⁻²⁷ into, ये आपने वैल्यू कैलकुलेट करके ही रखी होगी, मैं फिलहाल ये जो ऊपर लिखा है ये लिख लेती हूँ, 1.6 × 10⁻¹⁹ इस सब अंडर रूट में है। ठीक है, और ये हमने सॉल्व किया तो ये हमारा आया 8.017 × 10⁻¹⁵। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद प्रोटॉन मूविंग विद वेलोसिटी इक्वल टू 1/20th ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। चलिए तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए और आंसर बताइए। वेलोसिटी दिया प्रोटॉन की 1/20th ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, तो लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे। ये रहे मुख्य नतीजे। Thank you.
लैम्डा कितना आ रहा है? इसका लैम्डा आ रहा है 2.64 3×10⁻¹⁴ मीटर. सबका यही आ रहा है. देखिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा आ रहा है मैम. हाँ लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी. वो आपने एच की क्या वैल्यू रखी है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. ठीक है 2.5 लेंगे तो अलग हो जाएगा. 2.63 आ रहा है. 6.2×10⁻¹⁴ एम है 1.67×10⁻²⁷ वी है 1/20 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट. वैल्यूज पुट करिए. लैम्डा आ रहा है 2.643×10⁻¹⁴ मीटर. डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मटेरियल पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट एंड चार्ज क्यू एक्सिलेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट्स रिलेटिविस्टिकली. तो क्वेश्चन में खुद ही बोल रहा है कि रिलेटिविस्टिकली मूव कर रहा है वी वोल्ट पे. और लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट टू एम नॉट क्यू वी वन प्लस क्यू वी अपॉन टू एम नॉट सी स्क्वेयर. ये हमें सॉल्व करना है. हिंट आपको दे रही हूँ. जैसे हमने रिलेटिविटी में मोमेंटम निकाला था रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, सेम वही मोमेंटम निकाल के हमें वैल्यू पुट करनी है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी में. ठीक है. टोटल एनर्जी के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं. उन दोनों फॉर्मूले को यूज करना है और पी कैलकुलेट करना है रिलेटिविस्टिक. और यहाँ पे वैल्यू पुट करके लैम्डा इक्वल टू जो हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया है वो प्रूफ करना है. करना स्टार्ट करिए इसको. दे रही हूँ आप लोग मुझे फोटो खींच के भेजिए. तो हम क्या जानते हैं ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर फोर. एक हम टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी की जगह के लिख दिया, रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर लिख दिया. फिर काइनेटिक एनर्जी किसके लिए हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एक पार्टिकल है जिसका रेस्ट मास एम नॉट है, चार्ज क्यू है और एक्सेलेरेट हो रहा है पोटेंशियल वी से. तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी क्यू वी होती है. तो काइनेटिक एनर्जी की जगह क्यू वी रख दिया. इक्वेशन वैल्यू जो है के की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट की तो E इक्वल टू क्यू वी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर आया. अब हमारे पास E की एक इक्वेशन 4 से वैल्यू है, एक इक्वेशन 2 से वैल्यू है. तो इक्वेशन 4 से इक्वेशन 2 में पुट करना है. और ठीक है तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर करा, इक्वेट करा दोनों को, पी स्क्वायर सी स्क्वायर में इसकी वैल्यू निकाल ली और यहाँ से इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया. जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर फोर प्लस टू एम नॉट सी स्क्वायर क्यू वी माइनस एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर फोर. ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और हम पी कैलकुलेट कर लेंगे. पी इक्वल टू अंडर रूट टू एम नॉट क्यू वी वन प्लस क्यू वी अपॉन टू एम नॉट सी स्क्वायर आ जाएगी. ठीक है. और इस पी की वैल्यू फिर हम इक्वेशन वन में पुट कर देंगे तो जो हमें ड्राइव कराया है फॉर्मूला लैम्डा का वो वैल्यू आ जाएगी. देखिए सबका आ गया होगा. अगर किसी को कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है बता दीजिए. वैसे हमने ऑलरेडी पी जो है रिलेटिविस्टिक की कैलकुलेट करा रखा है. बस फिर क्या किया, के की जगह हमने क्यू वी रख दिया क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है चार्ज पार्टिकल की अगर वो एक्सेलेरेट हो रहा है पोटेंशियल से तो क्यू वी होती है उसके लिए. ठीक है. तो ये क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ रेस्ट मास एम नॉट हैज अ काइनेटिक एनर्जी के, शो दैट इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू एच सी अपॉन अंडर रूट के के प्लस टू एम नॉट सी स्क्वायर. सेम वही क्वेश्चन है, बस इन टर्म्स ऑफ के लिखा है तो इसको भी कैलकुलेट कर लीजिए. लेकिन इसमें टू पार्ट्स और हैं, हेंस कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 MeV और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ के इज वेरी वेरी लेस देन ऑफ एम नॉट सी स्क्वायर. वहीं से किया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है. वी नो ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर फोर होता है. टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी की जगह के नोटेशन यूज कर लिया, रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर.
इस इक्वेशन थ्री की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट की और होल स्क्वायर ओपन किया, के स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर है ना, तो सबका आ गया होगा, लेकिन अगर कोई एक आध स्टूडेंट ऐसा है तो कराना मेरा वो है ना, ठीक है। तो होल स्क्वायर ओपन किया, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म इसके साथ है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे नहीं है, ये पी स्क्वायर के इधर है, इधर नहीं लिखती, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे ये एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर फोर, ये कैंसिल हो गया दोनों टर्म। फिर पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस टू एम नॉट सी स्क्वायर के, यहाँ से पी स्क्वायर आ गया के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस टू एम नॉट के, सी स्क्वायर को हम यहाँ पे इसके राइट में लिया है नीचे, फिर पी स्क्वायर में से यहाँ पे हमने क्या किया, मैम एक्सपीरियंस तो नहीं कर रही, कॉमन ले लिया, रीन आ जाएगी थोड़ी देर में, है ना, के कॉमन ले लिया, के अपॉन सी स्क्वायर 2m not c square plus k, तो p आपका आ गया, p की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दी, तो जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया। अब इसके आगे के पार्ट समझ लीजिए, एक बार हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी 1 MeV से वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, इफ k इज पैरेलली लेस देन m not c, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर काइनेटिक एनर्जी, नोट करके भी लिख लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एक दिखाऊंगी भी, मैंने नोट करके पॉइंट बना रखा है, इफ काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन रेस्ट मास एनर्जी, तो उस केस में हम नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला यूज करते हैं। इफ काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन रेस्ट मास एनर्जी, या कह लीजिए रेस्ट मास एनर्जी जो है लेस है काइनेटिक एनर्जी से, तो उस केस में हम रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए यहाँ से नोट कर लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब हम रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला यूज करेंगे, कब हम नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो रेस्ट मास एनर्जी ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी कम है, तो नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, रेस्ट मास एनर्जी कम है, तो रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ये लिख भी रखा है कि तीन पार्टिकल्स दे दिए, किस किस के लिए कौन सी वेवलेंथ का फॉर्मूला लगेगा। कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद 1 MeV इलेक्ट्रॉन, 1 MeV प्रोटॉन और 1 MeV फोटॉन। तो तीनों के लिए जो डी ब्रॉगली फॉर्मूला है अलग अलग है, तो तीनों के लिए आपको आइडेंटिफाई करना है किसके लिए कौन सा डी ब्रॉगली फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो रेस्ट मास एनर्जी कैलकुलेट एक रफ पेपर पे कैलकुलेट कर लीजिए, रेस्ट मास एनर्जी प्रोटॉन की निकालिए, रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की निकालिए और प्रोटॉन की भी। हाँ पहले एक मिनट ये नोट करने दीजिए बाकी स्टूडेंट्स को ना, फिर मैं प्रीवियस स्लाइड करती हूँ, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर ये क्वेश्चन करिए। और सेम यही क्वेश्चन पीछे है 1 MeV इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगी तो आंसर पीछे वाले का आंसर भी सेम यही आएगा, है ना। लेकिन पहले हमें बताइए कि यहाँ पे हम रिलेटिविस्टिक यूज करें नॉन रिलेटिविस्टिक यूज करें, तो वो मुझे कैलकुलेट करके बताइए किसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। कंडीशन मैंने लिखी रखी है, इफ रेस्ट मास एनर्जी ज्यादा है तो नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला। तीनों के लिए देखिए डिफरेंट फॉर्मूला यूज होगा, क्वेश्चन ही इसलिए मैंने दिया है कि तीनों के लिए जो लैम्डा का फॉर्मूला है बिल्कुल अलग अलग है। रित्ते कितना टाइम नहीं लगता है कैलकुलेट करने में रेस्ट मास एनर्जी, एम नॉट सी स्क्वायर ही तो करना है। मैम रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मेरी आ रही है 0.51 MeV, ठीक है ऋतिक। अब मुझे बताइए कि रेस्ट मास एनर्जी जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है कि उससे ज्यादा है कि कम है। ये क्वेश्चन में जो एनर्जी दी है इलेक्ट्रॉन की वो 1 MeV दी है, तो 0.51 MeV ज्यादा है या कम है। कम है, कम है। तो जब रेस्ट मास एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो उस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला। रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला, तो जो अभी पीछे हम ड्राइव करके आए हैं रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला वो यूज करेंगे, यानी कि ये वाला एस सी अपॉन अंडर रूट के के प्लस टू एम नॉट सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ये आना चाहिए, ठीक है।
चलिए सुजीत मुझे बताइए फोटोन प्रोटॉन का कितना आ रहा है रेस्ट मास एनर्जी। सुजीत यस मैम हाँ बताइए रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट सी स्क्वायर होता है। प्रोटॉन का मास रखिए सी की वैल्यू रखिए फिर उसको ईवी में कन्वर्ट करके मुझे बताइए कितना आ रहा है प्रोटॉन का रेस्ट मास एनर्जी। प्रोटॉन लिखा है और तब से तुम फोटोन पे ही घूम रहे हो हैं। बोल भी रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन का ऋतिक ने कर लिया प्रोटॉन का आपको करना था सुजीत। एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी थी प्रोटॉन की। चलिए सुजीत तो नहीं बता रहा है सुजीत ने कैलकुलेट भी नहीं किया। सुजीत मेरे ख्याल से सो रहा था है ना सुजीत तो नहीं रहे थे ध्यान से नहीं रहे थे क्योंकि तुम बार बार फोटोन पे आ जा रहे हो उसका मतलब ध्यान से सुन ही नहीं रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो मुझे इसका फिर मुझे बताएंगे मृग्यांक मृग्यांक कितना आ रहा है फोटोन का रेस्ट मास एनर्जी। प्रोटोन का रेस्ट मास एनर्जी कितना आ रहा है मैम अभी तो मैं पहला ही कर रहा था मैम। अच्छा अभी पहले ही कर रहे थे पहला इसमें अभी कंप्लीट किया मैम। ठीक है किसने किया है सेकंड पार्ट मैम मैं शिवांग तोमर। ठीक है बताइए कितना आ रहा है प्रोटॉन का रेस्ट मास एनर्जी मैम 938 MeV। तो रेस्ट मास ऑफ प्रोटॉन 937 MeV आता है। ठीक है एम नॉट होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg वैल्यू पुट करिए ईवी में कन्वर्ट करिए तो 937 आता है ये। ठीक है तो ये 937 क्वेश्चन में जो एनर्जी दी है उससे ज्यादा है कि कम है। ज्यादा है ज्यादा है ठीक है तो मतलब रेस्ट मास एनर्जी ज्यादा है और जब रेस्ट मास एनर्जी ज्यादा होती है उस केस में हम नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला यूज करते हैं तो इसलिए हम डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m0 k6 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है तो अगर काइनेटिक एनर्जी दी है इलेक्ट्रॉन प्रोटोन की तो हम कंपेयर करते हैं कि रेस्ट मास एनर्जी से ज्यादा है कि कम है। इलेक्ट्रॉन प्रोटोन या न्यूट्रॉन भी हो सकता है ठीक है फिर हम तब सॉल्व करते हैं कि नॉन रिलेटिविस्टिक है कि रिलेटिविस्टिक वैल्यू है। ठीक है और फोटोन के केस में E इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा होता है क्योंकि रेस्ट मास तो होता नहीं है तो तब हम उस केस में लैम्डा का जो फॉर्मूला है वो एच अपॉन एच सी अपॉन लैम्डा यूज करते हैं तो लैम्डा इक्वल टू एच सी बाय ई हो जाएगा और ई 1 MeV दी डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे इसलिए मैंने इसकी वैल्यू बढ़ा दी पहले मैंने 12 पॉइंट कुछ वैल्यू करके दे रखी थी अब 22 कर दी फिर से कंसीडर करने के लिए कि अब इसमें हम रिलेटिविस्टिक लगाएंगे कि नॉन रिलेटिविस्टिक लगाएंगे। तो प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी भी ज्यादा ही होती है ठीक है जितनी हमारी इलेक्ट्रॉन की होती है सेम उतनी ही आती है तो इस केस के लिए भी हम क्या करते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला 12.5 × 10⁻¹३ देख लीजिए ये कुछ कह रहे थे कि हो गया कुछ कह रहे हैं कि नहीं हुआ देख लीजिए एक बार कि हो गया कि नहीं हुआ। मैम हो गया था मैम आपने घर से करने को दिए थे दो क्वेश्चन करने के लिए दिया था सिंपल था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम नॉट के से और के कैलकुलेट करना था कर लिया ये यस मैम मैं इसका सॉल्यूशन दिखा देती हूं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम नॉट के होता है
तो यहाँ से हम k कैलकुलेट कर लेंगे, k हो जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2m नॉट लैम्डा स्क्वायर, सारी वैल्यूज पुट करेंगे जो क्वेश्चन में दिया है और हमारा k आ जाएगा 6.93 × 10⁻²⁵ जूल। आंसर चेक कर सकते हैं अपना, और ev में चेंज करने के लिए 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ev में आ जाएगा 4.34 × 10⁻¹⁶ ev। कैन अ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सेम मोमेंटम हैव अ सेम वेवलेंथ, कंपेयर देयर वेवलेंथ इफ टू हैव सेम एनर्जी। काफी स्टूडेंट ने मुझे इसका फोटो भेजा था, तो काफी स्टूडेंट्स ने इसको किया है, ठीक है। फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं। तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है पी इक्वल टू लैमडा अपॉन एच अपॉन लैमडा ई, मोमेंटम ऑफ फोटोन होगा एच अपॉन लैमडा फोटोन। क्वेश्चन में गिवन है कि जो है मोमेंटम दोनों का सेम है, तो दोनों को सेम रखेंगे तो लैमडा ई इक्वल टू जो है लैमडा फोटोन आ जाएगा, तो मतलब वेवलेंथ सेम होती है। तो आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का इसका यस, यस फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ सेम मोमेंटम हैव सेम वेवलेंथ, ठीक है। अगर मोमेंटम सेम है तो वेवलेंथ सेम होगी। फिर इसका नेक्स्ट पार्ट था कंपेयर देयर वेवलेंथ इफ दे हैव सेम एनर्जी। तो एनर्जी की फॉर्म में लैम्डा ई होता है इलेक्ट्रॉन का एच अपॉन अंडर रूट 2m ई, फोटोन के लिए होता है लैम्डा फोटोन एच सी अपॉन ई। तो क्या करना था, कंपेयर करना था, तो दोनों को डिवाइड कर देते। तो ये भी मेरे ख्याल से मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसको भेजा है, सबने सही भेजा है, ठीक है। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन एट 3 डिग्री एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड 27 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। तो इसे करना स्टार्ट करिए मैम। एच अपॉन अंडर रूट 3m0 kT हाँ, चलिए पता लग गया आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको एट टेम्परेचर, वहां पर टी कैल्विन में होता है, तो टेम्परेचर टी कैल्विन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू h upon under root 3 m k t। चाहे इसको k भी लिख देते हैं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, उससे पता लग जाए, किसी और चीज से कंफ्यूज ना हो आप, है ना। तो k के सफिक्स में कुछ बुक्स में b भी लिख देते हैं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला k है ये, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या हमें दिया है। t दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कैल्विन में हो जाएगा 227 प्लस 273 दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 300 कैल्विन। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के की वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻²³ जूल पर कैल्विन, ठीक है। एंड मास ऑफ नाइट्रोजन एम तो होता है 14 × 1.67, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 1.67 × 10⁻²⁷ केजी। तो ये आपका मास ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा, ये आएगा 23.4 × 10⁻²⁷ केजी। लैम्डा कैलकुलेट कर लीजिए, अब वैल्यूज पुट करनी है, आपका लैम्डा आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 6.62 × 10⁻³⁴ अपॉन अंडर रूट 23.4 × 10⁻²⁷ इंटू के 1.38 × 10⁻²³ इंटू टी 300, ये सब अंडर रूट में है। लैम्डा बता दीजिए कितना आ रहा है, ये आएगा 6.25 × 10⁻³⁴। अंडर रूट की वैल्यू बताइए और
टोटल मुझे लैम्डा बता दीजिए कितना आ रहा है। तो 3.89 × 10⁻¹ = 11। हाँ लैम्डा आपका ये आ रहा है, ठीक है। मैं अंडर रूट की बात कर रही थी कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 3.88 × 10⁻¹ = 11 मीटर। और जो अंडर रूट में वैल्यू है ये आपकी आ रही है 1.7 × 10⁻²। The kinetic energy of electron is 4.55 × 10⁻²⁵ joule. Calculate the velocity, momentum and the wavelength of the solution. The kinetic energy of an electron कितना दिया है, इसको हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4.55 × 10⁻²⁵ जूल। वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2 mE। यहां से लैम्डा आ जाएगा 6.625, लेना चाह रहे हैं तो 25 6.35 × 2 × 10⁻³⁴ डिवाइड बाय अंडर रूट 2। इलेक्ट्रॉन का केस है तो 9.1 × 10⁻³⁹ एनर्जी दी है 4.55 × 10⁻²⁵। तो आपका लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो लैम्डा बताइए कितना आ रहा है, चाहे अंडर रूट में जो वैल्यू है वो भी कैलकुलेट करके बता सकते हैं जिससे बाकी स्टूडेंट का आंसर चेक हो जाए। लैम्डा आ जाएगा तो फिर हम वेवलेंथ इज रिलेटेड अंडर रूट में आ रहा है 2.8 × 9.1 × 10⁻²⁹ ठीक है। तो ये आपका आ रहा है अंडर रूट कैलकुलेट करके 9.1 × 10⁻²⁸। 6.62 × 10⁻³⁴ को 9.1 × 10⁻²⁸ से डिवाइड कर लीजिए। हाँ सही है, ये सही है, ये तो ठीक है, तभी मैं लिख रही हूँ, अगर गलत होता तो मैं मना कर देती, ठीक है। द वेवलेंथ इज रिलेटेड विद इतने मोमेंटम एस लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। तो यहाँ से पी हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा, लैम्डा पीछे जो कैलकुलेट करोगे वो वैल्यू रखोगे 6.62 × 10⁻³⁴, यहाँ पे लैम्डा करके फिर हो जाएगा आपका पी। नेक्स्ट पार्ट में वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, और वेलोसिटी लैम्डा इक्वल टू चाहे एच अपॉन एम वी से कर सकते हैं, तो यहाँ से भी हो जाएगा एच अपॉन, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेट करके आएगा 7.252 × 10⁻¹ मीटर। और अगर इसको एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 7.252 एंगस्ट्रॉम। चलिए आपका लैम्डा आ गया है तो आप पी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो लैम्डा की जो आपकी वैल्यू आ रही है उसको यहाँ रख सकते हैं। तो ये है आपका 7.252, जितना भी आप डिजिट तक ले रहे हैं वहां तक ले लीजिए, 10⁻¹⁹ × 10⁻²⁹ ठीक है। तो 9.1 × 10⁻²⁹ केजी मीटर पर सेकेंड। देखिए वैसे आप आंसर यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, जो लैम्डा है लैम्डा होता है एच अपॉन P, तो ये जो नीचे वैल्यू कैलकुलेट करके आ रही है एक तरीके से ये वाली है ना, ये P की आ रही है, तो आप यहाँ पे भी आंसर चेक कर सकते हो। तो P इक्वल टू 9.1 × 10⁻²⁹ केजी, और वेलोसिटी कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे P इक्वल टू एम वी से कैलकुलेट कर लीजिए, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी से कैलकुलेट कर लीजिए,
तो v इक्वल टू h अपॉन m लैम्डा और यहां से आपका v आ जाएगा. तो ये है आपका 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 अपॉन m है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 लैम्डा है आपका 7.252 इंटू 10 टू पावर माइनस 7. तो v आपका आ रहा है 10 to power 3 यानी कि 1000 meter per second. ठीक है.